नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में और देखेंगे यहाँ पे मंडे के लिए बैंक निफ्टी का जो मोमेंट है वो कैसा रह सकता है, किस लेवल पे आपको बैंक निफ्टी की कॉल लेनी चाहिए या किस लेवल पे पुट लेनी चाहिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में और देखेंगे यहाँ पे कि डाटा अब जो है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो चलते हैं जल्दी से NSE की वेबसाइट पर जहाँ पर हम बैंक निफ्टी का डाटा देख के समझेंगे। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ NSE की वेबसाइट पे जहाँ पे कि हम बैंक निफ्टी का डाटा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्लोजिंग की बात कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग कितने पे आई है। देखिए 29,450 पे क्लोजिंग आई है और बहुत ही ज़बरदस्त क्लोजिंग मानी जाएगी ये। अगर ऐसे मूवमेंट इलेक्शन के आउटकम से पहले आ रहे हैं तो मे बी शायद यहाँ पर BJP जीत रही है, ऐसा प्रिडिक्ट हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर कि क्या डाटा बना हुआ है। तो सबसे पहले हम 29,500 की जो पुट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 22,200 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक्चुअली दिक्कत क्या है कि बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है शायद इसलिए, या निफ्टी के अंदर जिस तरीके से ऑप्शन चेन में काम हो रहा है वैसा बैंक निफ्टी में आजकल शायद देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभार, उसकी वजह से जो प्रीमियम में जंप है वो बहुत ही तेज़ी से होता है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को लॉस भी हो जाता है। तो वहीं अगर मैं 29,500 की कॉल की बात करूँ तो कॉल पे कितना है, 60,000 का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, 29,500 की कॉल पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू 29,500 की पुट पर। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सिर्फ यही है कि बाउंस आएगा तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है कोई इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है जो कि निफ्टी को रोक ले। वहीं अगर मैं कॉल की हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो वो देखिए यहाँ पे 31,000 की कॉल पे है। आपको देख सकता हो यहाँ पे 1,29,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे, सॉरी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल में जो है वो 30,000 पे है, वो है 1,40,000 का, और सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 31,000 की कॉल पे। मतलब जो लोग कॉल राइटर्स हैं वो श्योर शॉर्ट होके कॉल राइट जो कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर की कर रहे हैं। सेम चीज़ पुट की अगर हम बात करें तो पुट पे देखिए 1,33,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 28,000 की पुट पे। तो ये है एक रेंज, 28,000 नीचे, 31,000, 30,000 ऊपर, ये मान के चलो ये है रेंज। तो इस रेंज के हिसाब से ये ट्रेडिंग हो रही है बैंक निफ्टी के अंदर। तो आपको करना क्या है, आप कोशिश करिए कि 30,000 के आसपास जब आएगा तब आप एक पुट लेके काम करिए, 29,000 के आसपास या 28,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आपको मिलता है, क्योंकि देखिए वॉलेटाइल होगा। कुछ सेकंड में निफ्टी हो सकता है आपको 100 पॉइंट नीचे दिखाई दे जाए और कुछ मिनटों बाद आपको 100 पॉइंट ऊपर दिखाई जाए। तो ये जो वॉलेटिलिटी है, इस वॉलेटिलिटी का आपको फ़ायदा उठाना है कि जब नीचे आया, नीचे के लेवल पे आया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे ट्रेड करना है, जब ऊपर के लेवल पे गया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे ट्रेड करना है। यानी 28,000 पे अगर बैंक निफ्टी आता है तो कॉल लेके काम करिए, और अगर 30,000 के ऊपर के आसपास मिलता है तो पुट लेके काम करिए। ये है पूरी रणनीति इस वॉलेटाइल सेशन को ट्रेड करने की। बट एक चीज़ सोच समझ के ट्रेड करिएगा, क्योंकि इवेंट की वजह से जो प्रीमियम है वो बहुत ही ज़्यादा है। एक बार इवेंट गया, ये प्रीमियम अपने आप इतनी तेज़ी से डाइल्यूट हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को सोच समझ के आप ट्रेड करिएगा। हालांकि एक्सपायरी का दिन होगा जिस दिन इलेक्शन की आउटकम आएगा, तो देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से ट्रेडिंग होगी। एक बार डाओ को देख लेते हैं कि कल डाओ यहाँ पे कैसा बंद हुआ था। देखिए करीब 100 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है, तो जो सिग्नल मिलेंगे हो सकता है हमें थोड़े से नेगेटिव मिले मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करिएगा। ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे, तो इस चीज़ को आप फॉलोअप करिएगा, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुआ था, उससे पहले 100 पॉइंट ऊपर हुआ था। तो ये चीज़ बता रही है कि ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है। तो कोई भी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप शॉर्ट करने की बजाय आप बाय करने की कोशिश करिएगा, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं विनिंग के और प्रॉफिट कमाने के। तो आई होप दोस्तों फाइनली ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।